नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में, जो कि एक बेहतरीन रिटर्न या इन्वेस्टर को। चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं। इस बेहतरीन शेयर के बारे में आपको काफ़ी कुछ जानने मिलेगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये शेयर है हमारा अदानी ग्रीन एनर्जी। तो दोस्तों, ये देख लीजिए, इसका वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे ये आपको जो कभी भी वीक दिखाई नहीं देंगे। ये वीकली चार्ट है और इस पर कभी भी आपको वीक नहीं दिखाई देंगे ये स्टॉक्स। देख सकते हैं यहाँ पर गिरावट आया, लेकिन अपना जो पिछला लो है को ब्रेक नहीं किया। यहां पर फिर से तेजी देखने मिला, फिर से गिरावट आया, फिर से ये अपना प्रीवियस जो लो है उससे तो काफी ऊपर है। मतलब अपना ऑल टाइम हाई जो था, यहां पिछला हाई जो था, मतलब ऑल टाइम हाई यहां पर बनाया ये, तो ये जो पिछला हाई है इससे भी काफी ऊपर रहा। फिर यहां से अभी जो है ये फिर से एक नया हाई बनाया अपना ऑल टाइम का, तो यहां से फिर से थोड़ा सा करेक्शन देखने मिला। फिर से अब जो अभी का ऑल टाइम हाई है, तो देखते हैं ये है प्राइस है जहां से ये लगातार ग्रीन कैंडल, देख सकते हैं वीकली चार्ट पर एक स्ट्रांग ग्रीन कैंडल बनाया है। मतलब प्राइस में खासा मोमेंटम देखने आप अभी मिल रहा होगा। तो दोस्तों, बात करें ये शेयर का, तो ये शेयर मैंने 18 रुपए के प्राइस पर इसको मतलब ऑब्जर्व किया था। 18 रुपए से ये देख सकते हैं यहां पर गया था 70 रुपीज तक। 70 रुपीज के बाद इसमें गिरावट आया और ये 40 रुपीज तक आया। मैंने इसे 50 रुपीज पर बाय किया था और लगातार जब 50 रुपीज पर बाय किया था तो मेरा हर दिन 5% के अपर सर्किट के साथ मेरा जो कैपिटल है वो बढ़ रहा था। मतलब जो भी हम इन्वेस्टमेंट किए थे इस स्टॉक में 2 साल पहले, और डेली 5% से बढ़ रहा था, और 50 रुपीज से बढ़ने के बाद ये 70 रुपीज गया, और वहाँ से लगातार लोअर सर्किट, लगातार लोअर सर्किट, और जैसे लोअर सर्किट खुला मैंने उसको सेल किया कुछ ही प्रॉफिट में। मैं अगर 70 रुपीज के आसपास सेल करता तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मैं अर्न करता, लेकिन हम अपने प्राइस के आसपास ही जाकर के सर्किट जब खुला तो उसको सेल किया। उसके बाद मैंने दोबारा कभी इस स्टॉक को बाय नहीं किया। दोस्तों, अगर मैं उस समय होल्ड किया रहता उस समय से, तो आप देख सकते हैं 40 रुपीज से ये स्टॉक चला गया कितना, 856 रुपीज तक। उससे पहले मैं इस स्टॉक को 18 रुपीज पर देखा था। 18 रुपीज से लगातार जब अपर सर्किट लग रहा था तो मैंने 50 पे बाय किया, 50 पे बाय किया, तो 50 रुपीज से भी ये 70 तक गया अपर सर्किट के साथ। उसके बाद नीचे गिरा तो मैंने डर से उसको सेल कर दिया कि कहीं ये स्टॉक्स और ज़्यादा नीचे ना चला जाए, लेकिन 40 रुपीज के आसपास तक काफ़ी दिनों तक ये स्टॉक रहा। और जब वहाँ से ये ऊपर चला तो डायरेक्ट 200 के आसपास गया। 200 से देखते हैं गिरावट के बाद फिर से ये 100 के आसपास ये स्टॉक्स आया, और उसके बाद तो आप देख सकते हैं कि इधर कुछ ही महीने में, ये पीछे के 6-7 महीने में ये स्टॉक जो है 125-30 रुपीज, मतलब 130 रुपीज के आसपास से ये जा चुका है 7 times। मतलब उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप यहाँ पर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किए रहते 130 रुपीज के प्राइस पर, तो आपका 7 लाख रुपीज हो जाता। दोस्तों, इतना बड़ा रिटर्न आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, किसी भी मार्केट में नहीं मिलेगा। चाहे आप प्रॉपर्टी बाय कर लीजिए, चाहे कुछ भी गोल्ड में इन्वेस्ट कर लीजिए, आपको इतना बड़ा रिटर्न नहीं मिलेगा जितना कि स्टॉक मार्केट रिटर्न देता है आपको। तो दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, आप इस स्टॉक में चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको काफ़ी कंसस रहना पड़ेगा, काफ़ी सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि ये हायर लेवल का प्राइस है। अगर आप इसमें अभी इन्वेस्ट करते हैं और स्टॉक यहीं से नीचे गिरना शुरू हो जाता है, तो समझ जाइए आपका हालत जो है कितना ख़राब होने वाला है। आप काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान हो जाएंगे, तो ऐसे में आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। अगर इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ करना है, और जो क्वांटिटी है कम रखना है, क्वांटिटी कम। ये मत समझिए कि स्टॉक लगातार बढ़ रहा है तो इसमें हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी इन्वेस्ट करें, क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो नंबर ऑफ शेयर है काफ़ी ज़्यादा तब लेते हैं जब शेयर का वैल्यूएशन जो है इंट्रेंसिक वैल्यू पे हो। दोस्तों, अगर बात करें टेक्निकल इंडिकेटर का, तो हम RSI का सिर्फ यूज करते हैं। यहाँ पर देखते हैं RSI कभी भी इस स्टॉक को वीकनेस नहीं दिखाया। RSI 40 पे सपोर्ट लिया, अभी देख सकते हैं ये 60 के आसपास सपोर्ट ले रहा है, और लगातार ये मतलब यहाँ पर ओवरबाउट जोन में दिखा रहा है इस स्टॉक को। तो कभी भी इसमें थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, तो सतर्क हो जाए अगर इन्वेस्ट किए हैं इसमें। तो यहाँ पर जो तेजी देखने मिला है, मार्केट में गिरावट है, उसके बावजूद इस स्टॉक में तेजी है, तो ये स्टॉक कितना दिन कंटिन्यू करेगा तेजी, ये तो हम भी नहीं बता सकते, और कितना ऊपर जा सकता है, कितना इस स्टॉक में पोटेंशियल है, ये भी नहीं बता सकते। लेकिन नीचे आता है तो इसका जो सपोर्ट बनता है वो 700 के आसपास बनता है पहला सपोर्ट।
और यहाँ से नीचे आने का अभी तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक्स तो अभी अपर ट्रेंड में है, मतलब लगातार अपर हाई पे जा रहा है, लगा न्यू हाई बना रहा है। तो इसके फंडामेंटल्स को चलिए जानते हैं। टेक्निकल चार्ट पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, टेक्निकल चार्ट पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, काफ़ी बुलिश दिख रहा है स्टॉक। तो टेक्निकल जो चार्ट है वो बता रहा है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करनी चाहिए स्टॉप लॉस के साथ और छोटे क्वांटिटी में, जो आपका क्वांटिटी का साइज होगा, जितना आपका क्षमता होगा। अगर आप 1000 स्टॉक बाय करने की क्षमता रखते हैं तो आपको मात्र उसका भाग रखना चाहिए, मतलब 250 क्वांटिटी आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो आपको छोटे से लॉस हो, अगर ऊपर चलता रहा तो आपको स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ाते रहना है ताकि आपका प्रॉफिट जो है वो लॉक होता चला जाए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके वैल्यूएशन का। तो सबसे पहले इस स्टॉक के वैल्यूएशन पर हमने क्लिक किया, देखिए इसका जो मार्केट कैप है 1,33,000 करोड़ इसका मार्केट कैप है, और बुक वैल्यू जो है हमारा देखते हैं बुक वैल्यू 9.20 का है, और जो इसका पी है 500 रुपीज। दोस्तों काफ़ी हाई पी है, इतना हाई पी आपको गिने चुने स्टॉक्स का ही मिलेगा अगर आप पूरे स्टॉक मार्केट में खोजेंगे तो। स्टॉक कोई डिविडेंड नहीं देता है, फेस वैल्यू स्टॉक का 10 है, और यहाँ पर डिलीवरी में 61.58% स्टॉक है, और अर्निंग पर से मात्र 1.7 है। चलिए कॉर्पोरेट टैक्सन पे चलते हैं, क्या क्या कॉर्पोरेट टैक्सन है इस स्टॉक में। डिविडेंड कभी पे, बोनस कभी स्टॉक पे नहीं किया, स्प्लिट कभी नहीं हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए नीचे शेयर होल्डिंग पैटर्न है, तो कंपनी में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जो प्लेस्ड शेयर था देखने लगातार कम हुआ है, और इसमें जो प्रमोटर्स का स्टेक है जो मैक्सिमम हो सकता है 75% उसके आसपास है, इसमें काफ़ी बेहतरीन है। और यहाँ पर FIs DIs इसका भी काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन है, FIs का काफ़ी 21% है, और DIs 2% का स्टेक रखता है, तो कॉर्पोरेट टैक्सन में आप देख लीजिएगा काफ़ी बेहतरीन है। उसके बाद फाइनेंशियल पे चलते हैं, तो फाइनेंशियल में कंपनी का देख लीजिए सेल्स लगातार इंक्रीज हुआ है, कंपनी का प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज हुआ है, कंपनी कभी लॉस में थी अब धीरे धीरे प्रॉफिट में कंपनी आ रही है। और यहाँ पर एनुअल पर जाकर के देखेंगे तो यह देख लीजिए कंपनी लगातार लॉस में थी, इस साल भी लॉस में है, लेकिन लॉस जो है थोड़ा सा कम हुआ है। तो दोस्तों कंपनी का जो फाइनेंशियल है, मतलब जो सेल्स है प्रॉफिट है, उसके अनुसार कंपनी का शेयर प्राइस आपको नहीं लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा है, तो सेल्स और प्रॉफिट के अनुसार काफ़ी शेयर का प्राइस काफ़ी हाई है। उसके बाद कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं, तो नीचे चलते हैं कंपनी का बैलेंस शीट देख लीजिए, तो यहाँ पर नीचे चलते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल देख लीजिए 1564 करोड़ कंपनी के पास है, रिजर्व और सरप्लस देखते हैं -800 करोड़ है कंपनी का रिजर्व और सरप्लस। और नीचे चलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कंपनी का जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट -45 करोड़ है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है कंपनी के पास 12,000 करोड़ का लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग देख सकते हैं लगातार बढ़ रहा है, तो कंपनी का कोई भी मतलब सेल्स प्रॉफिट जो मतलब इसका बैलेंस शीट है कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो आपको बताता है कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा कि जो कंपनी का फंडामेंटल्स है वो आपको अलाउ नहीं करता है कि इस कंपनी में आप इन्वेस्ट करें, लेकिन दोस्तों इसका जो बिजनेस है वो क्या है, सोलर एनर्जी, मतलब सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, मतलब सोलर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस करता है, जिसका आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो दोस्तों इसका जो बिजनेस है वो काफ़ी यूनिक बिजनेस है, आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा इस बिजनेस की डिमांड होने वाली है, जिसके कारण इस कंपनी का शेयर प्राइस जो है लगातार, मतलब देख रहे हैं आप इसमें लगातार अप ट्रेंड बना हुआ है, 5% का अपर सर्किट डेली चल रहा है देख सकते हैं। चलिए तो कंपनी की वेबसाइट चलते हैं, इसके बिजनेस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो दोस्तों ये आ चुके हैं देख सकते हैं greenenergy.com, इसका जो बिजनेस है आप देख लीजिए सोलर पावर, वाइंड पावर, हाइब्रिड पावर, सोलर पार्क, और देखते हैं ऑपरेशन एक्सेलेंस। तो ये कंपनी का वेबसाइट है, आप इस पे आकर के कंपनी के बिजनेस के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। तो नीचे चलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी के बारे में जो सस्टेनेबल बिजनेस इम्पैक्ट है, यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। तो कंपनी के वेबसाइट जो है सबसे बेस्ट वे होता है, सबसे अच्छा तरीका, तो जहाँ पर आप जाकर कंपनी के बारे में डिटेल में सीख सकते हैं, डिटेल में जान सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा डिमांड इसकी बढ़ने वाली है। और यहाँ पर देखते हैं अदानी फाउंडेशन, इसका जो ग्रुप ऑफ वेबसाइट है, मतलब ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो वेबसाइट है उसके बारे में जैसा जान सकते हैं, अदानी पोर्ट सेज, अदानी इंटरप्राइज, अदानी गैस, अदानी ट्रांसमिशन, मतलब अदानी ग्रुप की कंपनी है, और काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया इस अदानी ग्रुप की ये कंपनी ने, और
मतलब आपका जो 1 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट होगा अगर 2 साल पहले क्या के रहते इसमें, तो आपका 2 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट जो 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40 से मल्टीप्लाई मतलब आप 40 टाइम्स कर दीजिए दोस्तों, मतलब आपको करोड़पति बनाने का क्षमता इस स्टॉक में था अगर 2 साल पहले मात्र इन्वेस्ट किए रहते। तो ये है स्टॉक मार्केट। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।